अच्छा आज के इस चौथे दिन के कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जल्द ही हम हमारा सेशन शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ सौरव नीलेश सर भी ज्वाइन हो चुके हैं। सर प्रणाम। कल हमने प्राणायाम और ब्रीदिंग के बारे में सर से जानकारी ली और सर ने बहुत अच्छे ढंग से आप सभी से करवा भी लिया। सर से मैं विनंती करती हूँ कि आज का सेशन शुरू करें। ओवर टू सौरव सर। सर नमस्कार सभी को प्रणाम, सभी को शुभ प्रभात। आशा करता हूं कि कल का जो हमारा सेशन रहा प्राणायाम और माइंडफुलनेस को लेकर आप सभी को इंटरेस्टिंग लगा हो, आपने घर जाके खुद भी इसका अभ्यास किया हो। आज हम एक ऐसे मेथड को, यौगिक मेथड को देखने जा रहे हैं जो कि ना ही सिर्फ माइंडफुलनेस बल्कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी बहुत फायदेमंद होता है। तो कल हमने जैसा कि जाना था कि माइंडफुलनेस है क्या, तो माइंडफुलनेस बेसिकली है अपने प्रति स्वजागृत रहना, टू बी कॉन्शियस अबाउट योरसेल्फ। अपने प्रति जब आप जागृत रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, सचेत रहते हैं, तो आपके साथ होने वाली हर घटनाएं पॉजिटिविटी की ओर ही जाती। उसी प्रकार जब हम बात करें कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो सबसे पहले तो ये समझें कि स्ट्रेस जो है वो कई प्रकार के होते हैं। साइकोसोमैटिक स्ट्रेस होता है, सोमैटोसाइकिक स्ट्रेस होता है। तो सबसे अधिक जो हमारे शरीर में बीमारियां पनपती हैं वो तनाव के कारण ही होती है, स्ट्रेस के कारण, क्योंकि तनाव का जो है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत अधिक होता है। यदि आप लंबे समय तक तनाव में हैं तो यकीनन आगे चल के आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं होंगी, हृदय से संबंधित समस्याएं होंगी। तो इसीलिए तनाव को जो है हम किस तरह मैनेज करें। देखिए, तनाव एक ऐसी चीज है जिसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं तनाव नहीं लेता, क्योंकि परिस्थिति और समय कुछ इस प्रकार का है कि आप कोई भी काम कर रहे हो तनाव होता ही होता है, चाहे वो डे टू डे लाइफ हो, आपका ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, पढ़ाई हो, तनाव होनी ही होनी। किंतु किस प्रकार तनाव से संबंधित जो बीमारियां हैं उनसे किस प्रकार बचा जाए, स्ट्रेस को किस तरह आप पॉजिटिव आउटपुट में चेंज कर सकते हैं, वो हम जानेंगे। तो आज जिस हम टेक्निक की चर्चा करने जा रहे हैं, काफी पॉपुलर टेक्निक है जिसको आप जानते हैं योग निद्रा नाम से, द योगिक स्लीप। तो इसके नाम पे बिल्कुल ना जाए, इसमें निद्रा शब्द तो है लेकिन इसमें नींद नहीं होती। योगिक स्लीपिंग है, योग निद्रा की जो टेक्निक है इसको हम कॉन्शियस स्लीपिंग कहते हैं, जिसमें आप सचेत होते हुए सोते, कॉन्शियस स्लीपिंग, जिसमें आप अपने बॉडी, अपने वातावरण के प्रति सचेत रहते हैं। बेसिकली योग निद्रा के अभ्यास से आप अपने प्रति ज्यादा जागृत होने की कोशिश करते हैं, अपने शरीर के प्रति जागृत होते हैं, अपने मन के प्रति जागृत होते हैं, अपने वातावरण के प्रति जागृत होते हैं। इसलिए माइंडफुलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट में योग निद्रा एक अहम भूमिका निभाता है।
योग निद्रा अलग अलग सेक्शंस में किया जाता है, अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो आज हम इन जनरल योग निद्रा देखेंगे और योग निद्रा के साथ कुछ प्राणायाम के टेक्निक्स भी देखेंगे जो योग निद्रा के साथ मिला के किए जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं योग निद्रा के लिए आपको जो है अपने पीठ के बल लेटना है शवासन। जो लेटने में सक्षम है वो लेट जाए पीठ के बल, जो बैठने में सक्षम है, जो सिर्फ बैठ पा रहे हैं चेयर पे हैं या अपने ऑफिस में है, वो अपने चेयर पे ही आराम से बैठ जाएं। रेस्ट विद्यार्थी, यदि आप लेट सकते हैं पीठ के बल शवासन में, आराम से लेट जाइए। शवासन की स्थिति, दोनों पैरों के बीच 6 इंच की दूरी, दोनों हथेलियां कमर से 6-6 इंच की दूरी पर, आपके हाथ की हथेलियां आकाश की ओर होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिलैक्स करें, दोनों पैरों को आपस में सटाइएगा नहीं, दोनों हथेलियां कमर से थोड़ी सी दूरी पर, हथेलियों का डायरेक्शन, आपकी जो हथेलियां हैं छत की ओर खुली होनी चाहिए। आपकी हथेलियां छत की ओर, हाथ खुले हुए। जो लेट नहीं पा रहे हैं शवासन में, कृपा कर आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाए, आंखों को बंद कर लें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। इस पूरे सेशन के दौरान मेरी आवाज को ध्यान से सुनिएगा, सजगता पूर्वक सुनिएगा। सुबह का समय है, सोना बिल्कुल नहीं है इस अभ्यास के दौरान। मेरे द्वारा दिए गए हर एक निर्देश का पालन करते जाना। आशा करता हूं कि आप सभी मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन अच्छे से करेंगे। यदि आप चश्मा पहनते हो, हाथों में घड़ी हो, घड़ी चश्मा एक साइड कर लीजिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। किसी प्रकार का कोई तनाव, किसी मांसपेशी में कोई तनाव नहीं। रिलैक्स, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिएगा, यानी एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में आपकी रीढ़ की हड्डी। गर्दन ना दाहिने झुका हुआ ना बाएं झुका हुआ, बिल्कुल रिलैक्स। शवासन यानी शरीर जो है बिल्कुल स्थिर हो जाए, सभी मांसपेशियां ढीली हो जाए। आंखों को बंद कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए। पूरे अभ्यास के दौरान जब तक आपको आंखें खोलने को ना कहा जाए तब तक आंखों को खोलेंगे नहीं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान से सुनिए। अब हम योग निद्रा करने जा रहे हैं। जब मैं कहूं आपको कि किसी चीज को मानसिक रूप से दोहराना है, अर्थात उस चीज को आपको बोलना नहीं है, केवल मानसिक रूप से रिपीटेशन करना, मेंटली यू हैव टू रिपीट इट। सजगता अपने पूरे शरीर पर ले आए, आंखों को बंद रखिएगा। अपने पूरे वातावरण के प्रति सजग हो जाइए। शरीर को बिल्कुल ढीला रहने दें। यदि आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई तनाव हो या कोई ऐसी वस्तु जो आपको डिस्टर्ब करे इस सेशन में, उस वस्तु को खुद से दूर कर लीजिए। आंखें बंद, मेरे द्वारा दिए गए हर एक निर्देश का पालन करिएगा
अब मैं चाहूंगा कि कक्षा में जितने भी शिक्षक विद्यार्थियों की सहायता कर रहे हैं, आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आंखें बंद। अब अपनी चेतना को अपने वातावरण के प्रति सजग कर लीजिए। अपनी चेतना को अपने वातावरण के प्रति सजग कर लीजिए, यानी आपके अगल बगल हो रही हलचल के प्रति अपनी सजगता को बढ़ाइए। अब अपने सुनने की क्रिया के प्रति सजग हो जाइए। मानव शरीर की एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है सुनना, टू हियर। इस कार्य की कार्यवाही जो है आपके एक बहुत महत्वपूर्ण अंग, जिसको कि कान कहते हैं, उसकी जवाबदेही होती है। तो सजगता अपने कानों पे ले आइए। आपके कानों से होने वाली क्रिया यानी आवाजों को सुनने की क्रिया के प्रति सजग हो जाइए। कमरे से बाहर जितनी भी आवाजें हो रही हो, उन सभी आवाजों को सुनने की कोशिश कीजिए। दूर से आ रही आवाज, हर एक आवाज को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान रखेंगे किसी भी आवाज के प्रति मन में कोई विचार नहीं लाइएगा, केवल एक से दूसरे आवाज को आप पकड़ते चलिए। जस्ट ट्राई टू कैच ईच एंड एवरी साउंड कमिंग आउटसाइड ऑफ योर रूम, आपके कमरे या आपकी कक्षा से बाहर आ रहे हर एक आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए। दूर से आ रही गाड़ियों की आवाज, कमरे के बाहर चिड़ियों की चहचहाने की आवाज, कमरे के बाहर लोगों के चलने की आवाज, लोगों के बात करने की आवाज, हर एक आवाज को सुनिए। सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज, तेज से तेज आवाज, किसी भी आवाज के प्रति कोई विचार नहीं लाइएगा, केवल एक से दूसरी आवाज को सुनते जाइए। सजगता अब कमरे के भीतर ले आइए। अपनी चेतना को कमरे के भीतर ले आइए। कमरे के भीतर से आ रही हर एक आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए। सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज यानी घड़ी के चलने की आवाज, पर्दों के हिलने की आवाज, मेरे बोलने की आवाज, पंखे के चलने की आवाज, एयर कंडीशनर की आवाज, सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज को सुनी बिना किसी विचार के। हर एक आवाज को सुनते जाइएगा। सजगता अब अपने शरीर पर ले आइए। अपने पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाइए। सजगता अब अपनी श्वसन प्रक्रिया पर ले आइए। अपनी चेतना को अपनी श्वसन प्रक्रिया पर ले आइए, यानी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया के प्रति सजग हो जाइए। अपने सांस को सामान्य बनाए रखिएगा। हर एक आने जाने वाले सांस के प्रति सजग रहिए। मानसिक रूप से शरीर के भीतर बाहर आने जाने वाले हर एक सांस को देखने की कोशिश कीजिए, महसूस करने की कोशिश कीजिए। श्वास की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं,
केवल एक सहज और एक सचेत चेतना आपके श्वसन क्रिया के ऊपर। प्रत्येक आते जाते श्वास के प्रति सजग रहिए। महसूस कीजिए श्वास को नाशिका से सीने तक आते हुए, सीने से पुनः नाशिका के थ्रू बाहर जाते हुए। श्वास की गति में कोई परिवर्तन नहीं, सामान्य श्वसन। अब धीरे धीरे श्वास को गहरा बनाते जाइए, लंबी और गहरी श्वास। ये हम गिनती के साथ करेंगे। गिनती हम उल्टी तरफ करेंगे, 10 से 1 की ओर बढ़ेंगे। जब मैं कहूं 10, तो उस पे श्वास आप अंदर लेंगे, लंबी और गहरी श्वास, और धीरे धीरे श्वास को बाहर जाने देंगे। श्वास को पेट में भरिएगा, पेट को पूरा फुलाना है, और धीरे धीरे श्वास को बाहर जाने। श्वास के प्रति सजग रहिए। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए, 10। धीरे धीरे श्वास को बाहर जाने दीजिए। श्वास के प्रति सजग रहिए। मानसिक रूप से प्रत्येक श्वास को भीतर बाहर आते जाते देखिए। 9, ब्रीद इन, श्वास लीजिए। श्वास छोड़िए। 8, श्वास लीजिए। 8, श्वास छोड़िए। 7, श्वास लीजिए, लंबी और गहरी श्वास। 7, श्वास बाहर। 6, श्वास अंदर। 6 पे श्वास बाहर। 5, श्वास अंदर। सोना बिल्कुल नहीं है, सोइएगा बिल्कुल नहीं, मेरी आवाज को सुनते जाइएगा। 5 पे श्वास बाहर। 4, श्वास अंदर। 4, श्वास बाहर। 3, श्वास अंदर। 3, श्वास बाहर। 2, श्वास अंदर। 2, श्वास बाहर। 1, श्वास अंदर। 1, श्वास बाहर। 1, अब हम एक संकल्प लेने जा रहे हैं। इस संकल्प को आपको मानसिक रूप से दोहराना है। संकल्प आप अपनी पसंद का रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे छोटा से छोटा रखें। जैसे मैं स्वस्थ रहूंगा या मैं स्वस्थ रहूंगी, मैं आलस्य नहीं करूंगा या मैं आलस्य नहीं करूंगी, इस तरह के आप संकल्प ले सकते हैं। तो कोई भी एक संकल्प आप लें, उस संकल्प को मानसिक रूप से यानी मेंटली 3 बार आप दोहराएं। 1, 2, 3। सोना बिल्कुल नहीं है, सजगता बनाए रखिएगा। सजगता अब अपने पूरे शरीर पर ले आइए।
अब मैं आपके शरीर के जिन अंगों का नाम लूंगा आपको मानसिक रूप से उन अंगों को देखना है और मेरे द्वारा लिए गए नामों को दोहराना है। बहुत सिंपल सा है। मैं अभी आपके शारीरिक अंगों का नाम लूंगा, आपको उन अंगों को मानसिक रूप से विजुअलाइज करना है और मेंटली ही उन नामों को दोहराना है। सजगता अपने दाहिने हाथ पे ले आइए, सजगता अपने दाहिने हाथ पर ले आइए, दाहिने हाथ की उंगलियों के प्रति सजग हो जाइए, दाहिने हाथ की उंगलियों के प्रति सजग हो जाइए। सबसे पहले दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, दाहिने हाथ की पांचों उंगलियां, दाहिने हाथ की पांचों उंगलियां, दाहिने हाथ की हथेली, दायां कलाई, दाई बाजू, दायां कोहनी, दायां कंधा, दायां सीना, दाहिना पेट का हिस्सा, दाहिना जांग, दाहिने घुटने का ऊपरी हिस्सा, दाहिना टखना, दाहिने पैर का पंजा, दाहिने पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, दाहिने पैर की पांचों उंगलियां, दाहिने पैर की पांचों उंगलियां, पूरे दाहिने शरीर को ढीला होता हुआ महसूस कीजिए, पूरे दाहिने शरीर को ढीला होता हुआ महसूस कीजिए। सजगता अब अपने बाएं हाथ पर ले आइए, सजगता अपने बाएं हाथ पर ले आइए, बाएं हथेली के प्रति सजग हो जाइए, बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, बाएं हाथ की पांचों उंगलियां, बाएं हाथ की पांचों उंगलियां, सोना बिल्कुल नहीं है, सजग रहिए, मानसिक रूप से इन अंगों को देखिए और मन में दोहराइए, बाएं हाथ की पांचों उंगलियां, बाईं कलाई, बायां बाजू, बायां कोहनी, बायां कंधा, बाई बगल, बाया सीना, बाया पेट, बाया जांग, बाया टखना, बाएं पैर का पंजा, बाएं पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, बाएं पैर की पांचों उंगलियां, पूरा बायां शरीर, पूरा बायां शरीर। अब सजगता को शरीर के ऊपरी हिस्से पे ले आई, शरीर का ऊपरी हिस्सा यानी वह हिस्सा जो छत की तरफ है। सजगता को अपने माथे पे ले आइए, यानी कि मस्तिष्क का अग्र भाग, फोरहेड। अब हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे आपके शरीर। सजगता अपने माथा पे ले आइए, दाहिने भाव के प्रति सजग हो जाइए, बायां भाव, दाहिनी आंख,
बाईं आंख, दाहिना नाशिका छिद्र, बायां नाशिका छिद्र, दाहिना कान, बायां कान, दायां गाल, बायां गाल, आपके होंठ, आपकी ठुड्डी, कंठ, सीना, पेट, पेड़ू, जननांग, दोनों पैरों के जांग, दाएं और बाएं घुटना, आपके दोनों पैर के टखने, दाहिना पैर का पंजा, बायां पैर का पंजा, समस्त अग्र शरीर, पूरा आगे का शरीर, पूरा आगे का शरीर। सजगता अब अपने शरीर के निचले हिस्से पे ले आए, यानी शरीर का वह हिस्सा जो जमीन से सटा हुआ है, जो कुर्सी पे बैठ के कर रहे हैं, शरीर का वह हिस्सा जो कुर्सी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। सजगता दाहिने पैर के तलवों पे ले आइए, दाहिना पैर का तलवा, बाएं पैर का तलवा, दाएं पैर की एड़ी, बाएं पैर की एड़ी, दायां कार्प मसल, बायां कार्प मसल, दाहिने घुटने का निचला हिस्सा, बाएं घुटने का निचला हिस्सा, दाहिने जांघ का निचला हिस्सा, बाईं जांघ का निचला हिस्सा, दायां नितंब, बायां नितंब, कमर, पीठ, कंधे का निचला हिस्सा, गर्दन के पीछे का हिस्सा, सिर के पीछे का हिस्सा, सिर के ऊपर का हिस्सा, पूरा निचला शरीर, पूरा निचला शरीर, पूरा निचला शरीर। सजग रहिएगा, सोना बिल्कुल नहीं है। अब कुछ समय पहले हमने जो संकल्प लिया था मानसिक रूप से, उस संकल्प को एक बार पुनः मानसिक रूप से दोहराएं, तीन बार, एक, दो, तीन। सजगता बनाए रखिए, सोना बिल्कुल नहीं है। अभी हमने क्या किया, अभी हमने अपने पूरे शरीर का अवलोकन किया। अब इसी प्रक्रिया को हम एक बार पुनः दोहराएंगे, लेकिन इस बार हमारी स्पीड थोड़ी अधिक रहेगी। तो मेरे शब्दों के साथ मैच करिएगा, मानसिक रूप से उन अंगों को विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए जिन अंगों का मैं नाम लेते जा रहा। सजगता शरीर के दाहिने हिस्से पे ले आइए, शरीर के दाहिने हिस्से के प्रति सजग हो जाइए। दाहिने हाथ की हथेली, दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, दाहिने हाथ की पांचों उंगलियां, दाएं हाथ की हथेली, दाई कलाई, दायां कोहनी, दायां कंधा, दायां बगल, दायां सीना, दाहिना पेट, दाहिने पैर की जांघ, दाहिना घुटना, दाहिना टखना, दाएं पैर का पंजा, दाएं पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, दाहिने पैर की पांचों उंगलियां, पूरा दायां शरीर, पूरा दायां शरीर। सजगता शरीर के बाएं हिस्से पे ले आइए, शरीर के बाएं हिस्से के प्रति सजग हो जाइए। सजगता बाएं हथेली पर ले आइए, बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली,
बाएं हाथ की पांचों उंगलियां, बाएं हाथ की पांचों उंगलियां, बाएं हाथ की हथेली, बाईं कलाई, बाएं हाथ की कोहनी, बायां कंधा, बायां सीना, बायां पेट, बाएं पैर की जांघ, बायां घुटना, बाएं पैर का टखना, बाएं पैर का पंजा, बाएं पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, बाएं पैर की पांचों उंगलियां, पूरा बायां शरीर, पूरा बायां शरीर। सजगता शरीर के अब अग्र हिस्से पे ले आइए, सजगता अपने अग्र हिस्से पे ले आइए, आपका माथा, दाहिनी भौं, बाईं भौं, दायां आंख, दाहिनी नाशिका छिद्र, बाईं नाशिका छिद्र, दाहिना कान, बायां कान, दायां गाल, बायां गाल, ऊपर के होंठ, नीचे के होंठ, आपकी ठुड्डी, आपका कंठ, सीना, पेट, पेड़ू, आपका जननांग, दाहिने पैर का जांघ, बाएं पैर का जांघ, दाहिना घुटना, बायां घुटना, दाहिने पैर का टखना, बाएं पैर का टखना, दाहिने पैर का पंजा, बाएं पैर का पंजा, समस्त अग्र शरीर, आपका पूरा अगला शरीर। सजगता शरीर के निचले हिस्से पे ले आइए, दाहिने पैर का पंजा, बाएं पैर का पंजा, दाहिने पैर का तलवा, बाएं पैर का तलवा, दाहिनी एड़ी, बाईं एड़ी, दाहिने पैर का काप मसल, बाएं पैर का काप मसल, दाहिने घुटने का निचला हिस्सा, बाएं घुटने का निचला हिस्सा, दाहिने जांग का निचला हिस्सा, बाएं जांग का निचला हिस्सा, दाहिना नितंब, बायां नितंब, कमर का निचला हिस्सा, कमर का ऊपरी हिस्सा, पीठ, कंधे का निचला हिस्सा, गर्दन का निचला हिस्सा, सिर के पीछे का हिस्सा, सिर के ऊपर का हिस्सा, पूरा निचला शरीर, पूरा नीचे का शरीर। अपने पूरे शरीर के प्रति सजग रहिए। आपने जो संकल्प लिया था एक बार पुनः उसको मन में 3 बार दोहराएंगे, 1, 2, 3। सजगता एक बार पुनः अपने श्वसन पर ले आइए, सजगता एक बार पुनः अपने श्वसन पर ले आइए। सामान्य श्वास को देखने की कोशिश कीजिए, सामान्य श्वसन को देखने की कोशिश कीजिए। सजगता अब अपने भ्रिकुटी पर ले आइए, यानी भ्रूमध्य पे, आईब्रो सेंटर पे। सजगता आईब्रो सेंटर पे ले आइए, भ्रूमध्य पे ले आइए। आईब्रो सेंटर पे यानी भ्रू मध्य पे सजगता को बनाए रखिए। सजगता अब अपनी बंद आंखों के सामने ले आई, यानी आपके बंद आंखों के सामने एक काला अंधेरा स्पेस दिख रहा होगा, आकाश दिख रहा होगा, उस आकाश के प्रति सजग हो जाइए। उस अंधेरी काली
दुनिया में एक छोटी सी रोशनी की लौ, एक छोटी सी रोशनी की लौ देखने की कोशिश कीजिए आंखों के सामने। एकाग्रता को उस लौ पे बनाए रखिए। सोना बिल्कुल नहीं है, सजग रहना है, सोना बिल्कुल नहीं है। उस लौ के प्रति सजग रहिए। आंखों के सामने अब धीरे धीरे उस रोशनी को बड़ा होता हुआ महसूस कीजिए। सनेह सनेह वो रोशनी इतनी बड़ी होती हुई कि उस पूरे अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित कर देती है। पूरे अंधकार को रोशनी में परिवर्तित करती है। अब अपनी सजगता को आप उस रोशनी पे केंद्रित रखें और कोशिश करें कि उस रोशनी के पार जाने की आप कोशिश करें। जब आप उस सफेद रोशनी को, उस प्रकाश को जब आप देख रहे हैं, तो उस प्रकाश के पार देखने की कोशिश कीजिए। जब आप उस प्रकाश के पार पहुंचेंगे तो आपको एक नदी दिखाई देगी, शांत शीतल जल वाली नदी, शांत शीतल जल वाली नदी। आप उस नदी में टखनों तक खड़े हैं, आप उस नदी में टखनों तक खड़े हैं। उस शीतलता का अनुभव कीजिए, उस जल की शीतलता का अनुभव कीजिए। नदी के दूसरी ओर एक छोटा सा गांव, नदी के दूसरे ओर एक छोटा सा गांव, गांव के बाहर एक विशाल वटवृक्ष है, गांव के बाहर एक विशाल वटवृक्ष। गांव में बच्चे खेल रहे हैं, उस विशाल वटवृक्ष के नीचे एक योगी को बैठे हुए देखने की कोशिश कीजिए। उस विशाल वटवृक्ष के नीचे एक योगी को बैठे हुए देखने की कोशिश कीजिए। योगी पद्मासन में बैठा हुआ, ध्यान में मग्न, उस योगी की पीछे से प्रकाश की किरणें उत्पन्न होती हुई महसूस कीजिए। केसरिया रंग का ये प्रकाश, केसरिया रंग का ये रोशनी जो है उस योगी के पीछे से निकलता हुआ, उस प्रकाश को देखने की कोशिश कीजिए। वो प्रकाश जैसे ही आपके शरीर पे पड़ती है, आप अपने शरीर में एक स्फूर्ति, एक एनर्जी को महसूस कीजिए, एक ऊर्जा को महसूस कीजिए। उस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलते हुए महसूस कीजिए। सजगता एक बार पुनः अपनी श्वसन क्रिया पर ले आइए। सामान्य श्वसन को देखने की कोशिश कीजिए। प्रत्येक आते जाते श्वास को मानसिक रूप से विजुअलाइज कीजिए।
हर एक आते जाते श्वास को देखने की कोशिश कीजिए। सजगता अपने शरीर के प्रति ले आइए। हाथ और पैरों की उंगलियों में हलचल को लाइए। हाथ और पैरों की उंगलियों को हिलाइए। हाथ की उंगलियों को अच्छे से बंद करिए और खोलिए। पैरों की उंगलियों को अच्छे से बंद करिए और खोलिए। शरीर को दाएं बाएं थोड़ा सा हिलाइए। गर्दन को दाएं बाएं हिलाइए। शरीर में हलचल लाइए। आंखों को खोलेंगे नहीं कोई भी। अच्छे से शरीर में हलचल लाइए। दोनों पैरों को आपस में सटाइए। शरीर को खींचिए, जैसे अंगड़ाई लेते हैं वैसे शरीर को अच्छे से खींच के जगाइए बिना आंखों को खोले हुए। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब आराम से बाईं करवट लीजिए, उठ के अर्ध पद्मासन या पद्मासन में बैठ जाइए। आंखों को बंद ही रखिएगा, आंखों को खोलेंगे बिल्कुल नहीं। आराम से अपने हाथों के उपयोग से बायां करवट लीजिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड की ओर करवट लीजिए। आराम से उठ के बैठ जाइए बिना आंखों को खोले हुए, विदाउट ओपनिंग योर आईज। आंखों को बंद रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर गर्दन एक सीध में, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, शरीर ना आगे झुकना चाहिए ना पीछे, कमर गर्दन एक सीध में, आंखें बंद। सजगता अब अपनी रीढ़ की हड्डी पे ले आइए। सजगता यानी अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को अपनी स्पाइन में ले आइए, रीढ़ की हड्डी में ले आइए। मानसिक रूप से अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए बंद आंखों से। आपकी रीढ़ की हड्डी एक सीधी रेखा में सिर के निचले हिस्से से शुरू होते हुए कमर के निचले हिस्से तक जाती हुई एक सीधी रेखा। आंखों को बंद रखेंगे। अब अपनी रीढ़ की हड्डी को इमेजिन करिए कि वो एक ट्यूब है, पाइप है, ठीक है। कैसा पाइप है? तो पारदर्शी पाइप है, शीशे का, जिस ट्यूब के आप आर पार देख सकते हैं। तो आपकी रीढ़ की हड्डी एक पारदर्शी नली में परिवर्तित होती हुई, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट नली। रीढ़ की हड्डी को एक पारदर्शी नली में इमेजिन कीजिए। अब अपने श्वास को उस रीढ़ की हड्डी में इमेजिन करना है, यानी इमेजिन करेंगे कि जब आप श्वास ले रहे हैं तो एक हवा का गोला उस पारदर्शी नली में नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। चलिए एक लंबी गहरी सांस लीजिए। महसूस कीजिए कि उस श्वास का गोला, उस प्राण का गोला उस परख नली में, उस ट्रांसपेरेंट नली में, पारदर्शी नली में नीचे से यानी कमर के ओर से आपके सिर की ओर ऊपर की ओर जा रहा है। और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो वह ऊर्जा का गोला उस नली में सिर की ओर से कमर की ओर जा रहा है। फिर एक बार श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास को बाहर जाने दीजिए। सजगता उस पारदर्शी नली में बनाए रखिएगा। उस नली में प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ आपके प्राण को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आते जाते विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। लंबी गहरी श्वास, जितना धीमा हो सके श्वास लेंगे और श्वास को लंबा बनाएंगे। जो आपके श्वास की गति है वही उस नली में आपके प्राण ऊर्जा की भी गति होगी, ऊपर या नीचे आने जाने। लंबी और धीमी श्वास 5 बार करेंगे मेरे गिनती के साथ। एक श्वास लीजिए, एक श्वास छोड़िए,
दो श्वास लीजिए, दो पे श्वास बाहर, तीन श्वास लीजिए, चार तीन पे श्वास बाहर, चार श्वास लीजिए। तो उस पारदर्शी नली में श्वास लेते समय प्राण ऊर्जा कमर से सिर की ओर ऊपर बढ़ती हुई महसूस कीजिए। एक हल्की सी झुंझुनी आपको रीढ़ की हड्डी में महसूस हो रही होगी। चार श्वास बाहर, श्वास छोड़ते समय प्राण ऊर्जा सिर के निचले हिस्से से कमर की ओर बढ़ती हुई। पांच श्वास लीजिए, पांच पे श्वास बाहर, अब अपनी सजगता को एक बार पुनः भ्रू मध्य पे ले आइए, यानी आईब्रो सेंटर पे। अपने भ्रूमध्य पे उगते हुए सूर्य को देखने की कोशिश कीजिए बंद आंखों से। ट्राई टू विजुअलाइज राइजिंग सन एट योर आईब्रो सेंटर। भ्रूमध्य पे उगते हुए सूर्य को, उगता हुआ सूर्य कैसा होता है? रक्त वर्ण का होता है, लाल रंग का सूर्य होता है, जो तेज और ऊर्जा से भरा होता है। तो मानसिक रूप से उस उगते सूर्य को देखने की कोशिश करें। सूर्य से जो ऊर्जा, तेज ऊर्जा निकल रही है आपके पूरे शरीर में फैलती हुई, पूरे शरीर में फैलती हुई उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। आंखों को बंद रखिएगा। तीन बार हम प्राणों का उच्चारण करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए, एक बार पुनः एक आखिरी, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में रगड़िए, गर्म करिए और दोनों आंखों के ऊपर अपनी हथेलियों को रखिएगा। आराम से आंखों में गर्माहट को महसूस कीजिए और धीरे धीरे आंखों को खोलिएगा। एक झटके में नहीं खोलना है आंखों को, धीरे धीरे आंखों को खोलिए। हरि ओम तत्सत। आप जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। ओवर टू यू सोनाली मैम। हेलो हेलो हेलो। जी, किसी को यदि कोई प्रश्न पूछना आवाज आवाज बहुत गूंज रही है। किसी को यदि कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओपन फॉर क्वेश्चन। बच्चों आपके भी क्वेश्चन हैं तो जरूर पूछें। जितने भी प्रतिभागी हैं, सवाल हैं जरूर पूछें।
योग निद्रा को करने का समय जो है वो किसी भी समय में किया जा सकता है, बस ध्यान ये रखना है कि उस समय आपका जो पेट है वो भरा ना हो, यानी भोजन के तुरंत बाद नहीं करना है, तो आप नहीं तो सो जाएंगे फिर योग निद्रा। कोशिश करेंगे भोजन से पहले योग निद्रा को आप करें। जी अगला सवाल, चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन। जी ओके, आई गेस चैट बॉक्स में जो क्वेश्चन था योग निद्रा का समय, मैंने उसका जवाब दे दिया कि आप किसी भी समय में कर सकते हैं, बशर्ते आपका पेट भरा ना हो। ठीक है, योग निद्रा और सवासन में क्या अंतर है? सवासन जो है वो पोस्चर है योग निद्रा को करने के लिए। ठीक है, सवासन जो है रिलैक्सेशन वाला पोस्चर है, पोस्चर यानी आसना है जिसमें हम रिलैक्स करते हैं, और योग निद्रा जो है एक प्रक्रिया है, धारणा के अंतर्गत आने वाला ये अभ्यास है योग निद्रा, जिसको कि तांत्रिक आस्पेक्ट ऑफ योगा से निकाला स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने और उसको एक पैकेज बनाया योग निद्रा का, जो कि सेल्फ अटेंशन और सेल्फ अवेयरनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है योग निद्रा, जिसमें आप अपने अपने बारे में आप कॉन्शियस हो सकते हैं, अपने ऊपर आप अटेंशन दे सकते हैं, अपने शरीर के प्रति अटेंटिव रह सकते हैं, और साथ ही योग निद्रा इज वेरी कस्टमाइजेबल। योग निद्रा को आप हर तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, यदि किसी डिजीज बेस्ड आपको योग निद्रा ट्रीटमेंट चाहिए तो उस हिसाब से वो कस्टमाइज होता है, यानी फॉर एग्जांपल अगर अर्थराइटिस के कोई पेशेंट है उनको अगर योग निद्रा कराएंगे तो वो दूसरी टेक्निक होगी। तो योग निद्रा बहुत सारी टेक्निक्स है, इट स्टार्ट फ्रॉम 5 मिनट्स to 45 मिनट्स, यानी ये 5 मिनट से लेके 45 मिनट तक का एक पूरा सेशन होता है। बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए जरूरी है कि उनको मोबाइल से निकाल के फील्ड में लगाइए, खेलेंगे कूदेंगे, जितनी अधिक मेहनत करेंगे, कसरत करेंगे, वर्जिश करेंगे, उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। योग के बारे में आप पूछेंगे तो योग में जो है आप उनको सूर्य नमस्कार करवाइए, ठीक है, प्राणायाम में आप उनको भस्त्रिका कराएं, चंद्रभेदी कराएं, सूर्यभेदी कराएं, नाड़ी शोधन कराएं, ये सभी कंसंट्रेशन को बढ़ाने में मदद करते हैं। देखिए कंसंट्रेशन जो बेसिक ब्रेन न्यूरोफिजियोलॉजी है, तो कंसंट्रेशन काम है एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस लोब का, ये दो मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंसंट्रेशन को बढ़ाने में, और ये दो हिस्सों को जो एक्टिवेट करने में बहुत हेल्पफुल करता है अगर नाड़ी शोधन प्राणायाम आप करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो ये आपको कंसंट्रेशन में बहुत मदद करेगा। एक सेकेंड, कपालभाति का कोई मैक्सिमम टाइम नहीं है सर, जितने समय तक आप सक्षम हैं आप कर सकते हैं। कपालभाति के लिए कोई समय लिमिट नहीं है, अगर आपका शरीर सक्षम है आप 24 घंटे करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनिशियली स्टार्ट करेंगे 30 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स या साइकल्स, यानी 1 मिनट में 10 स्ट्रोक से शुरू करेंगे आप कपालभाति इनिशियली, लेकिन जब आपका शरीर जो है वो उस कैपेबल हो जाए, आप उस कैपेबल हो जाए, तो आप आराम से कपालभाति को कितने भी समय तक कर सकते हैं। कपालभाति को करने के बहुत सारे स्टेजेस, उसको बंध के साथ किया जा सकता है, मुद्राओं के साथ किया जा सकता है, आसनों के साथ कंबाइन करके किया जा सकता है, तो बस प्रैक्टिस की चीज है, आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतने लंबे समय तक आप जा पाएंगे। मैं प्रश्न पूछना चाहती थी, नमस्ते। एक तो योगिक एक्सरसाइज जो योगा एक्सरसाइजेस है उसके बाद योग निद्रा करना ज्यादा ठीक रहेगा या योग निद्रा पहले, इट्स अ सेपरेट पैकेज, कैसे करना है? योग निद्रा अपने में एक पूर्ण पैकेज है, ठीक है, तो जब भी सिंपल सी बात है, आप योगिक प्रैक्टिस यानी आसना करके अगर आप योग निद्रा में जाएंगे आपको नींद आ जाएगी क्योंकि बॉडी थका रहेगा, तो जाहिर सी बात है योग निद्रा आप अपने में एक कंप्लीट पैकेज, तो उसको आप तो, किसी के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। तो जैसे आज सुबह हमने पहले योग निद्रा किया है, अभी मुझे एक्सरसाइज मैं कर सकती हूँ, फिर आपने कर लिया, आप योग निद्रा आधे घंटे के बाद आप योगासना प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, धन्यवाद जी। हेलो सर, हेलो, गुड मॉर्निंग। जी जी जी, गुड मॉर्निंग मैडम।
ये जो सूर्य नमस्कार है तो वो मेरे लिए ओके है क्या? मतलब मैं कर सकती हूँ सब? देखे, सूर्य नमस्कार के लिए कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए इनिशियली, कि आपकी कोई सर्जरी नहीं हुई होनी चाहिए रिसेंटली, यानी 6 मंथ साल भर तक में। उसके अलावा आपको कोई क्रिटिकल बीमारी नहीं हो, ठीक है? क्रिटिकल बीमारी जैसे हाइपरटेंशन हो गया, चक्कर आना हो गया, मितली आनी हो गई, हाइपर एसिडिटी हो गई, ये सब है, तो पहले इनका यौगिक उपचार करना है, उसके बाद जनरल सूर्य नमस्कार आप शुरू कर सकते हैं। यदि ये सब समस्याएं आपके साथ नहीं है तो आप डायरेक्ट सूर्य नमस्कार में जाए, लेकिन वार्म अप करके जाइएगा, क्योंकि क्या होता है कई बार हम वार्म अप नहीं करते हैं, डायरेक्ट सूर्य नमस्कार करते हैं, उसके बाद मसल खिंच जाता है, कमर में पेन आ जाता है, हैमस्ट्रिंग पुल हो जाता है, और हम कहते हैं कि नहीं, योगा ही ठीक नहीं है। तो नहीं, हाँ, अपनी तो गलती को जरूर एक्चुअली देखिए। मेरी स्पॉन्डिलिसिस है, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस है, तो उसके लिए सूर्य नमस्कार कौन से करने चाहिए और जी, ना बस? यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है तो अभी सूर्य नमस्कार नहीं करिएगा, ठीक है? एक खास अभ्यास है स्पॉन्डिलाइसिस में, इसका बहुत बहुत हेल्प करेगा, जिसको ग्रीवा संचालन कहते हैं, ठीक है? नेक मूवमेंट का ये प्रैक्टिस है, 4 स्टेजेस में होता है, मतलब 4 डिफरेंट स्टेजेस में होता है, उसको आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, ठीक है? और उसको आप करिए, वो आपको ओके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में बहुत हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू सर। जी ओम सर, जी 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 सर कुछ महिला ये है कि उनको नीचे बैठने के लिए तकलीफ होती है, घुटनों में उनके दर्द रहता है, और एक बोला आता है कि वो कुछ करने के लिए इंटरेस्टेड है लेकिन उनके पैर ऐसे निकामी हो गया, ऐसे ही लगता है मेरे को कि वो कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या नीचे देखिए, बैठने बहुत आसान, बहुत आसान है। जो नीचे बैठने में असक्षम है ना, वो जैसे कंफर्टेबल हो रहे हैं, योग का पहला ही सिद्धांत कहता है कि आप कंफर्टेबल होने चाहिए। आप जब तक कंफर्टेबल नहीं है, आप कोई भी योगासना, प्राणायाम, मेडिटेशन कर लीजिए, कोई उसका इफेक्ट नहीं होने जा रहा है शरीर पे। सबसे पहले उनको कंफर्टेबल करिए। अगर वो चेयर पे कंफर्टेबल है, चेयर पे उसको आराम से बिठाइए। बेड पे कंफर्टेबल है तो बेड पे बिठाइए। अगर लेट के वो कंफर्टेबल है तो उनको आराम से लिटा दीजिए। उसके बाद उनको अभ्यास कराइए, स्लोली स्लोली अभ्यास कराएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, उनका बॉडी जो है उसको बिल्डअप को लेना शुरू करेगा, क्योंकि ये हमारा शरीर है ना, ये शरीर एक दिन में तो बना नहीं, उसी प्रकार जितनी भी बीमारियां हैं एक दिन में तो आई नहीं, तो वो एक दिन में जाएंगी भी तो नहीं। यदि हम अभी 80 किलो के हैं तो ये 80 किलो का शरीर एक्यूमुलेट करने में मुझे जो है वो 30 वर्ष भी लगा, तो अब मैं चाहूंगा कि 6 महीने में मैं जो है 10 किलो हटा लूं, तो मुश्किल है, लेकिन इसी मुश्किल को जो है वो अभ्यास के जरिए आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, उनको कंफर्टेबली बिठाइए, जहां कंफर्टेबल हो पा रहे हैं वहां उनको बैठने दीजिए, और उनके कंफर्ट के हिसाब से उनको योग चिकित्सा आप दीजिए, ठीक है? इसलिए योग चिकित्सक या योग ट्रेनर जो है इतना इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम खुद से ध्यान नहीं दे पाते, कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कितने डिग्री पे आपकी रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए, ये आपको ट्रेनर ही बताएगा, तो इसीलिए उसका ध्यान रखिए, जैसे कंफर्टेबल हो रहे हैं वैसे करना है। उनका क्या वो ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं होता इसलिए? ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद जी। नहीं, मेरी कोई YouTube चैनल नहीं है मैम, एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन था। योग निद्रा सभी उम्र के लोग कर सकते हैं, लेकिन 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे नहीं कर सकते, मेरे विचार से, क्योंकि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों की चेतना जो है उस प्रकार जागृत नहीं रहती है कि वो पूरे शरीर के प्रति जो है चेतना को जगा सके, इसलिए 7-8 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को नहीं कराना चाहिए, ऐसे 12 वर्ष से ऊपर के सभी लोग कर सकते हैं जी। और कोई सवाल है तो हम लेंगे, नहीं तो फिर मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग सर वीक में कितनी बार करना है योगा? देखिए, डिपेंडिंग अपॉन योर लाइफस्टाइल, आपके रूटीन को देखते हुए, जैसे यदि आपका रूटीन बहुत व्यस्त रहता है तो एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार आप करें, तो आपको कभी स्ट्रेस की समस्या, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब समस्या नहीं होनी है। योग निद्रा करेंगे तो आप चेतन भी रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, जिसको माइंडफुलनेस कहते हैं। जब माइंडफुलनेस आपके शरीर में आता है तो आप खुश रहते हैं, और जब आप खुश रहते हैं तो सारी चीजें अच्छे से होती। सर उसका टाइमिंग आधा घंटा या 15 मिनट या 1 घंटा? देखें,
अगर आप प्रॉपरली अपने शरीर को समय देना चाहते हैं तो हर दिन एटलीस्ट 20 to 30 minutes, 20 से 30 मिनट अपने शरीर को जरूर दीजिए, चाहे वो योग करके हो, एक्सरसाइज करके हो, स्पोर्ट्स में हो, एटलीस्ट 30 मिनट्स, कम से कम 30 मिनट। ठीक है मैडम? यस सर। हेलो हेलो, थैंक यू सर। जी सर। हेलो जी। Hello. जी कही, सवाल कही है आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर जी, जो हार्ट डिजीज के पेशेंट्स है जिनका एंजियोप्लास्टी ये हो चुका है, तो उनके लिए कैसे योगा का कौन सा ये अच्छा रहेगा? जो हार्ट के पेशेंट है जिनको एंडोप्लास्टी हुआ है, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कितना समय हुआ है उसको। ठीक है? उनको आसनास अभी बिल्कुल नहीं करवाएंगे, जितने भी योगासन हैं वो नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये इनर्ट हीलिंग मतलब अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं ना, उनको जल्दी हील करने में प्राणायाम और मेडिटेशन ज्यादा हेल्प करता है। तो उनको जो है बिल्कुल स्लो प्राणायाम कराना है, जैसे नाड़ी शोधन करानी है बिना कुंभक के, यानी बिना रिटेंशन, श्वास को ना तो भीतर रोकेंगे ना बाहर छोड़ के रोकना है, कंटिन्यूटी में सांस लेना है और छोड़ना है। तो आप नाड़ी शोधन कर सकते हैं, जिसमें कि अनुलोम विलोम प्राणायाम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, वो आपके हार्ट को स्ट्रांग करेगा और इसको रिकवर करने में हेल्प करेगा। दूसरा आप भ्रामरी कर सकते हैं। ठीक है? भ्रामरी भी एक काफी अच्छा प्राणायाम है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। ठीक है? उसके अलावा आप मेडिटेशन में कर सकते हैं, जिसमें कि चिदाकाश धारणा का आप अभ्यास कर सकते हैं, हृदयाकाश धारणा का आप अभ्यास कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे अभ्यास हैं, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि जो ऐसे क्रिटिकल बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनका ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, वो खुद से प्रैक्टिस करने के बजाय एक ट्रेनर की हेल्प जरूर लें। आप वीक में 2 से 3 दिन ही बुलाइए ट्रेनर को, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर दिन बुलाएं, लेकिन पहले सीख लें, एक ट्रेनर की मदद से अच्छे से सीख लें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उसके बाद ही उसमें आगे बढ़े। ठीक है सर? मेरा क्वेश्चन है, हेलो जी सर, मैं सब चाह रहा था कि जैसा दवाइयां हैं अपनी मेडिसिन लेते हैं हम इस शुगर के लिए या सिर दर्द के लिए, ऐसे कुछ आसन है कुछ बीमारियों के लिए स्पेशल जो कर सके हम उन्हीं बीमारियों के लिए पर्टिकुलर? सबसे पहली बात, योग कोई दवाई नहीं है सर। योग ना कोई दवाई है ना कोई जादू है कि अभी 10 मिनट कर लिया प्राणायाम हो गया मेरा काम खत्म, बुखार उतर जाएगा, पेट दर्द खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है सर। सबसे पहले तो योग के हमको इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि योग जो है किसी दवाई के लिए या ट्रीटमेंट के लिए इसका जन्म ही नहीं हुआ था इस काम के लिए। योग तो एक डे टू डे रूटीन था जो हमारे पूर्वज फॉलो करते थे। अभी भी जब आप पूजा पद्धति देखेंगे, पूजा में आपको कई बार प्राणायाम की श्रृंखलाएं करती हुई दिखेंगी, संध्या वंदन में प्राणायाम की श्रृंखलाएं आपको दिखेंगी। तो वो तो हमारी गलती है ना, हमने इसको डे टू डे रूटीन से हटा के अब इसको दवाई की तरह हम लेना शुरू करने जा रहे हैं, तो वो नहीं होने जा रहा है सर, वो नहीं होने जा रहा आज समय। मैं समझ गया, आप टू द पॉइंट पूछना चाह रहे हैं कि अगर मुझे हेडेक है तो मैं कौन सा प्राणायाम करूं कि वो इंस्टेंट कम हो जाए, ये आपका सवाल है। तो है ऐसे SOS, हम इसको SOS कहते हैं मॉडर्न भाषा में, कि SOS आसन प्राणायाम कौन से हैं। तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपको बहुत तेज माइग्रेन है, हेडेक आया हुआ है जी, उस समय यदि आप भ्रामरी करते हैं 10 मिनट तो वो हेडेक इंस्टेंट डाउन हो जाएगा। वो आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, बहुत अधिक क्रोध आ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, उस समय एक आसन है जिसको जेस्टिक आसन कहते हैं। ठीक है? वो आसन करने से इंस्टेंट आपका ब्लड प्रेशर डाउन होता है, क्रोध कम होता है। तो ऐसे आसन प्राणायाम जरूर है कि जो इंस्टेंट रिलैक्सेशन देते हैं। हाँ, लेकिन किंतु योग को सिर्फ इंस्टेंट रिलैक्सेशन नहीं समझना है, इसको अपनी जीवन पद्धति में समझिए। जैसे हम श्वास लेते हैं, भोजन करते हैं, उसी प्रकार योग को भी समझना चाहिए, एटलीस्ट 20 to 30 minutes एवरी डे। हमारा शरीर है, हम अपने शरीर को नहीं समय देंगे तो कौन इसको समय देगा? एक समय के बाद तो बच्चे भी घर से निकाल देते हैं यदि आपका शरीर ठीक नहीं है तो। तो शरीर आपका है, समझना आपको है, जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी आसानी से जो है वो मुक्ति को प्राप्त करेंगे, जितने लेट से समझ में आएगा उतनी तकलीफ से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। बस सिंपल सी बात है सर। इसकी कोई सर लिस्ट है आपके पास? कोई लिस्ट है सर? ऐसी कोई पर्टिकुलर लिस्ट तो नहीं है, लेकिन ये क्योंकि ये ट्रेनर्स की चीज है ना, ये हर ट्रेनर आपको अलग चीज बताएगा, हर योगा मास्टर आपको अलग चीज बताना, इसलिए इसका कोई पर्टिकुलर लिस्ट नहीं है। आप जिससे भी सीखेंगे वो आपको इसके बारे में बताएंगे।
हालांकि आप आपको ऐसी जब भी क्वेश्चंस हो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन था। जी हेलो जी, कभी कभी अगर सुबह योगा नहीं होता है इन केस, तो खाने के बाद जैसे 4 o'clock या 5 o'clock योगा कर सकते हैं इवनिंग में? भोजन से 2 घंटे पहले, भोजन से 2 घंटे बाद योगा नहीं करना। उसके अलावा आप किसी भी समय कर सकते हैं। भोजन से 2 घंटे पहले, 2 घंटे बाद नहीं करना। ओके ओके, थैंक यू। योग से कोई भी डिजीज क्योर हो सकता है, किंतु वो जीर्ण रोग ना हो। ठीक है, जीर्ण रोग यानी क्रिटिकल डिजीज ना हो, जिसको इंस्टेंट जो है वो मदद की जरूरत है, जैसे सर्जरी हो गई, तो ये सब जो प्रकार की बीमारियां हैं जो जिनको कि इंस्टेंट उपचार की जरूरत होती है, उसमें इंस्टेंटली योग नहीं काम करता है, क्योंकि योग को एक समय चाहिए। योग कोई जादू नहीं है, कोई दवा नहीं है कि आपने 7 दिन का कोर्स किया और बॉडी ठीक हो जाना है। योग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो आपके शरीर के भीतर भी घटेगी, शरीर के बाहर भी घटेगी। सिंपल है ना, योग का मतलब ही है जोड़ना। जब तक आप अपने शरीर को अपनी आत्मा से जोड़ेंगे नहीं, योग होना नहीं। जब तक आप अपने व्यविचार को अपने डेली रूटीन से हटाएंगे नहीं, तब तक योग होना नहीं। तो बढ़िया रहेगा कि आप जो है योग को अपने जीवन में उतारिए। एक बार जीवन में उतारिएगा तो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए कुछ भी करना। योग निद्रा का समय, आई गेस हाँ, सेल्फ गाइडेड आप योग निद्रा कर सकते हैं, बशर्ते आपको योग निद्रा का पूरा जो श्रृंखला है, पूरा जो वो इंफॉर्मेशन है, वो आपको दिमाग में फीड होना चाहिए। वो अगर आपको याद है, पूरा स्टेटमेंट याद है, तो आप गाइडेड सेल्फ गाइडेड योग निद्रा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हेलो सौरव सर। जी जी जी, स्टे विद अस फॉर जस्ट 15 मिनट्स, वी कंक्लूड दिस वर्कशॉप। ओके ओके, आज का हमारा जो हमने वर्कशॉप आयोजित किया था 4 दिवसीय, वह श्रीमती बिंझाणी सिटी कॉलेज नागपुर, एमबी पटेल कॉलेज साकोली, प्रियदर्शनी महिला महाविद्यालय वर्धा और श्रीमती बिंझाणी महिला महाविद्यालय नागपुर, इनके जॉइंट वेंचर में यह वर्कशॉप हमने 4 दिन आयोजित किया था। राष्ट्रीय स्तर का यह वर्कशॉप योगा, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, यह थीम रखते हुए हमने यह आयोजित किया था। इस 4 दिवसीय वर्कशॉप में हमें रिसोर्स पर्सन बीना मिश्रा मैडम, सौरव नीलेश सर, इनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आज हम इस वर्कशॉप का कंक्लूडिंग करने जा रहे हैं और इस कंक्लूडिंग प्रोग्राम में हमारे साथ अध्यक्ष के तौर पर उपस्थित है सम्माननीय प्राचार्य डॉक्टर सुजीत बेत्रे सर, साथ ही प्रमुख अतिथि के रूप में हमारे साथ उपस्थित है सम्माननीय श्री अनिल मोगावकर सर। साथ ही यह जो वर्कशॉप हमने आयोजित किया था, इन महाविद्यालयों के प्रिंसिपल लोग भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, एमबी पटेल कॉलेज साकोली के, साथ ही प्रियदर्शनी महिला महाविद्यालय वर्धा के प्राचार्य डॉक्टर महेशकर सर भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। सर, आप सभी महानुभावों का, मान्यवरों का और मंच पर उपस्थित सभी गेस्ट का मैं आयोजन समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और यह जो वर्कशॉप हमने आयोजित किया था, इस वर्कशॉप का प्रास्ताविक करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर संजय चौधरी सर। आपका मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत देर से आप बैठे हैं आगे। पीड़ा व शालेय शिक्षण विभाग बिंधानी नगर महाविद्यालय, एम बी पटेल महाविद्यालय साकोली, प्रियदर्शनी महिला महाविद्यालय वर्धा, श्रीमती बिंधानी महिला महाविद्यालय नागपुर, इनके संयुक्त विद्यमान से हम 4 दिन की योग की कार्यशाला आज का उसका
समारोह पर एक हफ्ता पहले हमने हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य वैद्य सर से बात की, मतलब सर हमें अपना एक वर्कशॉप लेना है, तो हमें तो मालूम था कि सर कुछ कोई भी चीज़ को नहीं नहीं बोलते, हाँ कर लो। तो हमने फिर बाकी कॉलेज से बात किए, सब तैयार हुए। एक हफ्ते में हमने एक शेड्यूल तैयार किया और गेस्ट के एक्चुअली हम 6 दिन का लेने वाले थे, पर एक कुछ कारणवश जो दोषी सर थे उनका कैंसिल हो गया, हमने फिर 4 दिन का शेड्यूल तैयार किया। जब मीना मिश्रा मैडम से जब बात किए तो मैडम हमारे यहाँ आपको योगा का एक 2 दिन का वर्कशॉप लेना है, तो मैडम बिल्कुल तैयार हो गया और उन्होंने पूछा किस पे लेना है। तो बोला मैडम एक तो आपको प्राणायाम पे लेना पड़ेगा, नहीं तो आसन पे। तो ठीक है मैं आसन पे ले लूँगी मैंने, और ओमकार ये दो इस पे उन्होंने मैडम ने लिया। और सौरभ सर से हमारी मैडम जो है शिल्पा के मैडम उन्होंने बात की थी, तो वो भी सर तैयार हो गए, इसके पहले भी सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो उन्होंने हमारे शब्दों को आने के बाद उन्होंने जो हमको अभी मेडिटेशन का जो पार्ट बताया है कल से जो 2 दिन से बता रहे हैं उनको, यानी बहुत सराहनीय है और बहुत अच्छा उन्होंने बताया तो बच्चों को। अभी तो बच्चे बिल्कुल लगता कुछ आज जो उन्होंने स्लीपिंग एक्सरसाइज लिए थे जो आपके लेट के करने वाले थे मेडिटेशन, तो उसमें 2-3 लड़के सर ऐसे थे कि उनका मूवमेंट हो रहा था। मुझे लगता है कि जो स्पोर्ट्समैन थे जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और जो ज्यादा फिट है बोला ऐसे, वो उनका मूवमेंट कम हो रहा था, पर जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते या ग्राउंड पे नहीं आते या फिटनेस नहीं होगा, मन में कुछ अलग बात चल रही होंगी, ऐसे 6 लड़के थे जिनके मूवमेंट बार बार हो रहे थे, हम कैमरे में उनको उनका मूवमेंट आ गया होगा। तो हमारा उद्देश्य ये था कि बच्चों को अपने फिटनेस के बारे में मेडिटेशन क्या है, आसन क्या है, ये हमको आपको बताना था। और हमारी कोशिश हरदम हर साल रहती है, हमने पिछले साल भी एक योगा का वर्कशॉप लिया था कॉलेज में, और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि बच्चों को कितने आने फिट रहे और उनका माइंड जो है वो इधर उधर डाइवर्ट ना हो जाए और उनका सेट हो जाए माइंड पे, तो भी क्योंकि आज के बच्चे मोबाइल पे ज्यादा रहते हैं, पढ़ाई कम करते हैं, ग्राउंड पे कम आते हैं, इसलिए वो मुझे लगता है कोई कारण हो सकता है। पर आप डेली मेडिटेशन करोगे जो सर ने बताया सौरभ सर ने, और वो एक्सरसाइज आप करते रहोगे तो आपको जीवन में 100% उसका लाभ होगा। उसी तरह मिश्रा मैडम ने जो बताया आसन और ओंकार, वो आप करोगे तो डेफिनेटली आपको उसका फायदा होगा। और मैं जितने भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स है, मराठी मैडम, चौधरी मैडम, ओबरागड़े सर, ये सभी का मैं और सभी प्रिंसिपल का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें साथ दिया और हमारे प्रोग्राम को सक्सेस किया। मैं यही बोल के मेरे शब्दों को विराम देता हूँ, धन्यवाद। आज के प्रमुख अतिथि सम्माननीय श्री अनिल मोगावकर सर, यह नागपुर जिला योग एसोसिएशन के अध्यक्ष है और साथ ही हमारे साथ उपस्थित है श्री बेंजाड़ी सिटी कॉलेज के प्राचार्य सम्माननीय डॉक्टर सुजीत मेत्रे सर। हम औपचारिक स्वागत की ओर बढ़ते हैं और आज के प्रमुख अतिथि श्री अनिल मोगावकर सर जी का स्वागत करने के लिए मैं विनती करती हूँ महाविद्यालय के प्राचार्य सम्माननीय डॉक्टर सुजीत मेत्रे सर। धन्यवाद सर। इसके पश्चात हम चाहेंगे कि 4 दिन हमने जो वर्कशॉप लिया है उसका कुछ फीडबैक पार्टिसिपेंट्स के तौर पर भी हो। इसके लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी लाखनी से गिरिपुंजे सर हमारे साथ है, तो मैं चाहूंगी गिरिपुंजे सर आप यदि सुन रहे हो तो आप इस वर्कशॉप के बारे में 2 मिनट में आपका वक्तव्य प्रस्तुत करें। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माझा आवाज येतोय मॅडम?
मस्कट से हमारे साथ देवयानी मैडम भी है, आप भी मैडम तैयार रहिए। हेलो, आवाज येतो आहे मॅडम? हो हो येतोय सर, आवाज येतोय मॅडम? हो हो येतोय। थँक यू। आजच्या सर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एज्युकेशन एमबी पटेल कॉलेज साकोली, बिंजानी महिला महाविद्यालय नागपूर, प्रियदर्शनी महिला महाविद्यालय वर्धा, बिंजानी सिटी कॉलेज नागपूर, ये चार कॉलेज के डिपार्टमेंट ने जो ये वर्कशॉप आयोजित किया है, बहुत ही अच्छा वर्कशॉप था। ये वर्कशॉप में शुरू के दो दिन मीना मिश्रा मैडम, इन्होंने अच्छी जानकारी दी, प्रैक्टिकली योगा करके बताया है। उसके बाद दो दिन जो सौरव नीलेश सर ने हमको जो जानकारी दी, विशेष तौर पर आज योग निद्रा के बारे में जो जानकारी दी, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा सर का। सर ने बढ़िया योग निद्रा के बारे में जानकारी हमको मिली है। इस वर्कशॉप में 66 पार्टिसिपेंट थे, सभी को शायद ये आज का प्रोग्राम सेशन अच्छा लगा होगा। मैं समर्थ महाविद्यालय लाखनी की ओर से इस वर्कशॉप के आयोजक सभी कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल पुणे सर, एमबी पटेल साकोली, लांजेवार सर बिंजानी महिला महाविद्यालय नागपुर, मेस्कर सर प्रियदर्शनी महिला महाविद्यालय वर्धा और डॉक्टर सुजीत सर एसबी सिटी कॉलेज नागपुर, इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे जो वर्कशॉप में जो हमारे स्पीकर थे मीना मिश्रा मैम और सौरव नीलेश सर, इन दोनों का भी मैं महाविद्यालय की ओर से आभारी हूँ, धन्यवाद मैम। इसके पश्चात मस्कट से हमारे साथ जुड़ी है देवयानी मैडम। मैडम से मैं विनती करती हूँ कि आप इस वर्कशॉप के बारे में आपका मत प्रदर्शित करें। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली मुझे ये सेशन बहुत अच्छा लगा, और खास तौर से कि मुझे जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस है उसके लिए जो अच्छा है वो भी योगा सर और मैडम ने बताया। रियली गॉड ब्लेस अस ऑल, थैंक यू। थैंक यू मैडम। हेलो, गुड मॉर्निंग चंद मिनटों में, यानी मैं कहूंगी कि सिर्फ मैंने सर को फोन किया था कि सर आप हमारे इस वर्कशॉप में गेस्ट करके आइए, तो सर ने तुरंत हाँ कर दी। मैं सर से विनती करती हूँ कि सर आप हमें हमारे विद्यार्थियों को, हमारी सहभागी जो पार्टिसिपेंट्स है उनको आपका मार्गदर्शन। आदरणीय मंच उपस्थित ह्या चार दिवसीय मेडिटेशन ध्यान धारणा आणि प्राणायाम योगासन ह्या कार्यशाळेत उपस्थित विद्यार्थी, आपण खरंच नशीबवान आहात की आपण ह्या कार्यशाळेमध्ये उपस्थित आहात। आणि आपण जे काही ध्यान धारणेविषयी शिकलात ते आपल्याला तुमच्या जीवनामध्ये अत्यंत मोलाचं आहे, हे सगळ्यांच्या नशिबी नसते। आपण जे काही शिकलात ते तुमच्या जीवनामध्ये शेवटपर्यंत राहणार, आणि हे तुम्ही नियमित केलं पाहिजे। एवढंच बोलून मी माझे दोन शब्द शंभर। धन्यवाद सर। विद्यार्थ्यांनी खास करून जास्त टाळ्या वाजवल्या, कारण की त्यांना भाषण जास्त ऐकायचं नसतं। इसके पश्चात आज के इस कंक्लूडिंग प्रोग्राम में हमारे साथ अध्यक्ष के तौर पर उपस्थित है सम्माननीय प्राचार्य डॉक्टर सुजीत मैत्रे सर। सर से मैं विनती करती हूँ कि सर प्लीज आप अध्यक्षीय समारोह। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले चार कॉलेज, चार प्रिंसिपल और चार ऑर्गेनाइजर्स, इनका आभार और अभिनंदन दोनों। आदरणीय मंच व
और जैसा मैडम ने बोला है कि आपको सुनने में तकलीफ है, होनी चाहिए, लेकिन दो तीन चीजें चार दिनों में जो आपने सीखनी चाहिए थी, अगर आपसे मिस हो गई होंगी तो उसको रिपीट करना मेरा काम है, क्योंकि ये समारूपीय भाषा। पहले दो दिनों में जो चीज ज्यादा अच्छे से आपने सीखनी चाहिए थी मेरे ख्याल से वो सूर्य नमस्कार, क्योंकि वो अपने आप में एक कंप्लीट सेट है, वो हो गया तो होता है। दूसरी चीज जो शायद बहुत लोगों ने पहली बार सुनी होगी, अ और म के साथ ओंकार, ये दो चीजें, ठीक है। कैमरा में अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा था जो मैडम बोल रही थी, तो सिर्फ अकार ही सुनाई दे रहा था, राइट, उकार और मकार सुनाई नहीं दे रहा था, तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि मैडम को अलग से एक वीडियो उसमें डाले ताकि आपको ओंकार कैसे करना। दूसरे दिन सौरभ सर ने जो बताया दैट वॉज कॉमन ओंकार जो आपने सबने किया होगा, लेकिन पहले दिन मिश्रा मैडम ने जो बताया वो ओंकार में कुछ नयापन था, वो नयापन आपने लेना चाहिए। दूसरी चीज जो भी पार्टिसिपेंट्स ने पूछा होगा कि सौरभ सर का कोई YouTube वीडियो है क्या, अब मैं बोल सकता हूँ हाँ, उनके दो YouTube वीडियोस है और वो अभी अभी तैयार हुए हैं, कल एक हुआ है आज हुआ है, तो अवेलेबल है। सौरभ सर यहाँ से आगे सब आप बोलेंगे तो आप बोलना कि हाँ दो है, दो वर्कशॉप के आप लिए थे, इट इज अवेलेबल ऑन द YouTube चैनल ऑफ द कॉलेज। एक चीज जो आज आपने देखी होंगी और जिसको करते वक्त आपको मजा आया होगा, शायद आपकी सांस पूरी नहीं हुई होगी जब सौरभ सर बोल रहे थे कि आपकी रीढ़ की हड्डी को आप एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब के जैसा मानिए, तो कितने लोग आप सच्चे सच्चे बताइए, वो बॉल पूरा ऊपर जाता था और बॉल पूरा नीचे आता था, पहले चिंता हो रहा होगा हाथ ऊपर कि बॉल हिल ही नहीं रहा था, कि बॉल दिख ही नहीं रहा था, कि रीढ़ की हड्डी को आप अजूम ही नहीं कर पाए कि वो ट्रांसपेरेंट ट्यूब है। आप वो तकलीफ क्या है वो समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वरना मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, ठीक है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप लोग जब बोर हो रहे थे, जब सीनियर सवाल पूछ रहे थे, बहुत जल्दी आप भी सीनियर बनने वाले, तो कोशिश करिए कि वो सारे सवाल जो उन्होंने किए वो उनके बॉडी के बारे में था, वो उनके मस्तिष्क के बारे में था, उनके बीमारी के बारे में था, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप इतना कर पाओगे कि नेक्स्ट टाइम मे बी 20 साल बाद कभी ऐसा वर्कशॉप हो रहा हो जिसमें आप बड़े मन के, जैसे ये बड़े लोग आपसे जुड़े हुए थे, ज्यादा सवाल उन्होंने किए, बराबर है, राइट। सो योग निद्रा को कितने लोग एंजॉय कर पाए, और जैसे सर बीच बीच में बोलते थे सुना नहीं, तो कितने लोगों को सुनाई दे रहा था, ठीक है। ये सारी चीज आत्म परीक्षण की है, ठीक है। यू आर यंग लॉट, और अपने बॉडी के साथ गलत करने का अधिकार आपको खुद को भी नहीं है, आपके बॉडी के साथ गलत करने का अधिकार आपको खुद को भी नहीं है, तो आप उसकी रिस्क उठाए भी मत, उसके बारे में सोचे भी मत, इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। आज सर ने बताया 20 से 30 मिनट और मिश्रा मैडम ने बोला था एक घंटा, तो दो भी आपको अच्छा लगे या दोनों का एवरेज निकाल के उतना समय आज से आगे अपने बॉडी के लिए देना। अपने बॉडी के लिए मतलब ऐसा मत समझो मैं तो स्पोर्ट्समैन हूँ और स्पोर्ट्स ही करता हूँ तो हो जाता होगा, नहीं, ये थोड़ा सा स्पेशल है, उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इसलिए इन लोगों ने, ठीक है। तो इनकी मेहनत को सफल बनाने का काम एक ही है, इसको फॉलो करना है जितना हो सके, 20 मिनट तो 20 मिनट, एक घंटा तो नथिंग लाइक इट, लेकिन सबसे बड़ा आउटकम इसका यह होना चाहिए कि 20 साल बाद आप में से कोई भी वो सवाल नहीं पूछेगा जो इस वर्कशॉप में सीनियर्स ने पूछे थे। थैंक यू। थैंक यू सर। सर ने आपसे कहा था कि आप स्टूडेंट्स हो, तो स्टूडेंट्स के लिए खास सर मैं बोलना चाहूंगी कि ये इनका जो माइंड है वो अस्थिर होता है, तो स्थिरता लाने के लिए योग ये बहुत जरूरी है। और खिलाड़ियों के लिए खास मैं बोलूंगी कि ध्येय निश्चित जिसे बोलते हैं ना, फोकस्ड होने के लिए भी ये जो सारी चीजें है ये बहुत जरूरी है, और इस तरह से संस्कार लेना हमारा भी काम बनता है, वो हमने पूरे करने की कोशिश की है सर। इसके पश्चात आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर अमित टेंगुलने सर।
आज के इस वर्कशॉप के समापन समारोह के अध्यक्ष श्री सुजीत मित्र सर, चीफ गेस्ट श्री मोगावकर सर, आयोजक के रूप में उपस्थित डॉक्टर संजय चौधरी सर, सोनाली श्रीवाद्य मैडम, साथ ही साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन रूप में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स और यूट्यूब के ऊपर में भी हमारे उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि चार महाविद्यालय के सहयोग के द्वारा ये नेशनल लेवल वर्कशॉप योगा माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, इसका आयोजन जो है 9 सितंबर से शुरुआत हुई और 4 दिन का ये वर्कशॉप था और आज 12 सितंबर 2020 को इसका समापन जो है वो होने जा रहा है। चारों कॉलेज श्री विद्यालय सिटी कॉलेज नागपुर, एम बी पटेल कॉलेज साकोली, प्रियदर्शिनी महिला महाविद्यालय वर्धा और श्रीमती बिंजारी महिला महाविद्यालय नागपुर, इनके संयुक्त तत्वाधान से ये वर्कशॉप जो है आयोजन किया जा चुका है। इस वर्कशॉप के पीछे, आयोजन के पीछे जो है उद्देश्य मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि पिछले बार भी हमारा वर्कशॉप योगा का जो है 5 दिन का हमने आयोजन किया था और इस साल इसको कंटिन्यू करते हुए भी हम लोगों ने ये योगा का वर्कशॉप जो है आयोजन किया। तो WHO की परिभाषा अगर आप देखते हैं तो मानव ऐसा मानव जिसके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी ना हो और जिसके शरीर में इतनी ऊर्जा हो कि वो अपने नियमित दिनचर्या के कार्य काज जो है सहज रूप से कर सके, ऐसे शरीर को जो है वो हेल्दी माना जाता है, स्वस्थ माना जाता है। और जिस प्रकार से जीवन शैली बदल रही है आजकल, आसानी से सारी चीजें जिस प्रकार से मिल रही है, जैसे मोबाइल अगर हम देखते हैं तो आज छोटा जो बच्चा जिसको थोड़ी सी समझ आती है उसके सामने भी मोबाइल रख दो तो वो शांति से एक जगह पे बैठ जाता है, वैसे बड़े लोगों का भी वैसे हो रहा है। तो शारीरिक गतिविधियां कम हो रही है और उसके कारण जो व्याधियां है वो बढ़ रही है और व्याधियों के विभिन्न प्रकार है आप देख सकते हैं, एक तो शारीरिक व्याधियां भी है, मानसिक व्याधियां भी है, हाइपरटेंशन है, कई लोगों को नींद नहीं आती, बीपी, शुगर, बहुत सारी चीजें अभी छोटी छोटी एज में हो रही है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारा उद्देश्य यही रहा है कि आप लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जो है जागरूकता निर्माण हो और साथ ही साथ इस वर्कशॉप के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि आप जो है ट्रेडिशनल योगा जो है वो देखते रहते, मतलब आपके सामने योगा इंस्ट्रक्टर आया, आप लोगों को योगा करवाया, आप लोगों ने योगा किया, घर वापस गए। लेकिन हमारा उद्देश्य ये था कि योगा के माध्यम से जो साइंटिफिक प्रभाव जो है, वैज्ञानिक प्रभाव जो है हमारे शरीर और मन के ऊपर में क्या पड़ता है ये बताने का उद्देश्य हमारा यहाँ पर रहा है। तो मीना मिश्रा मैम ने आप सब लोगों को जो है योगा की आसनाज है उसका प्रैक्टिकली अभ्यास कराया है। आप जिन जिन लोगों ने प्रैक्टिकली अभ्यास किया है वो महसूस कर सकते हैं कि योगा अभ्यास करने के बाद में शरीर के स्नायुओं पर और आपके मस्तिष्क के ऊपर में किस प्रकार का प्रभाव योगाभ्यास के द्वारा होता है। उसके अलावा सौरभ नीलेश सर, जिन्होंने प्राणायाम और रिलैक्सेशन एक्टिविटीज जो हमारा माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जो है उसका उद्देश्य पूरा करते हुए जिस प्रकार से आप लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ में सारी चीजें जो है वो अवगत कराई, सर ने बताया आपको कपालभाति करने के बाद में शरीर पर क्या परिणाम होता है, नाड़ी शोधन करने के बाद में क्या परिणाम होता है, आज योग निद्रा आप लोगों ने की तो रिलैक्सेशन जो होता है, ठीक है, वो डीप रिलैक्सेशन जिन लोगों ने सच में ईमानदारी से आज किया है वो आज महसूस कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारा उद्देश्य था और वर्कशॉप को ध्यान में रखते हुए हमारे दोनों रिसोर्स पर्सन मीना मिश्रा मैम और सौरभ नीलेश सर, इन दोनों ने बखूबी
जो हमारा उद्देश्य था वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप लोगों को सब कुछ बताना, वो बहुत अच्छा पूरा किया उन लोगों ने। तो मैं कार्यक्रम की आयोजन समिति की ओर से और चारों महाविद्यालय की ओर से बीना मिश्रा मैम और सौर अनिल सर, इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपको हमने एज ए रिसोर्स पर्सन बुलाया था और जो उद्देश्य की पूर्ति आपने हमारे पार्टिसिपेंट के साथ भी की है और अपना वक्त साझा किया, इसलिए आप दोनों का हम सब की तरफ से बहुत बहुत आभार। इसी के बाद चारों महाविद्यालय के प्राचार्य, एसबीसीटी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुजीत मेहत्रे सर, हमेशा से ही सर का जो स्वभाव रहा है वो बहुत कोऑपरेटिव रहा है और हमने जब भी सर के सामने अगर कुछ आयोजन करने का कल्पना रखी तो सर का सहयोग जो है वो हमेशा मिलता रहा है। तो मैं सभी आयोजन समिति की ओर से सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ एम बी पटेल महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सी जे खुले सर, इनका भी मैं यहाँ पर आयोजन समिति की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमती बिंजारी महिला महाविद्यालय नागपुर के प्राचार्य डॉक्टर उज्जवल लाल जेवर सर, इनका भी मैं यहाँ पर तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और प्रियदर्शिनी महिला महाविद्यालय वर्धा के ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल डॉक्टर प्रयागराज महेशकर सर, इनका भी मैं यहाँ पर धन्यवाद अदा करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं प्रमुख रूप से बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में सिर्फ आयोजन के मेंबर्स ही काम नहीं करते, यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे अटेंडेंट्स है, यहाँ पर टेक्नीशियन है और न्यूज जिन्होंने हमारी पब्लिश की, इन लोगों का भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण सहभाग जो है इसमें रहता है। इन सबका भी मैं यहाँ पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आयोजन समिति के सभी सचिव डॉक्टर संजय चौधरी सर बहुत ही एक्टिवली इतने दिनों से लगे हैं कि हमें दफ्तर में ये करना है, ये करना है, तो बहुत आनंद फानंद में सिक्स डेज में हम लोगों ने ये सब डिसीजन लिया और तुरंत हमारा आउट किया, क्योंकि वर्कशॉप हमने लेना था। और यहाँ पर बताते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि ऑल ओवर इंडिया से 328 पार्टिसिपेंट ने हमारे वर्कशॉप में जो है रजिस्ट्रेशन कराया। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और ऑफलाइन जो कॉलेजेस इसका आंकड़ा 700-800 पार्टिसिपेंट जो है यहाँ पर इस वर्कशॉप का फायदा ले चुके हैं। मैं डॉक्टर संजय चौधरी सर, डॉक्टर सोनाली श्रीभाते मैम, श्री पलाश जोशी सर और डॉक्टर अलोने सर, इन सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उसी के साथ में और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स डॉक्टर कल्पना मिश्रा मैम, सुचिता मराठे मैम, अपर्णा चौधरी मैम, डॉक्टर कंचन थापर्डे, डॉक्टर संजय मिश्रा और प्रोफेसर अनोल घुमड़े सर, इनका सबका भी मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित ऑनलाइन ऑफलाइन सभी पार्टिसिपेंट्स जो चार दिन से हमारे साथ में सतत जुड़े हुए हैं और इस वर्कशॉप का फायदा लिया है। साथ ही साथ जैसा कि मस्कट से दिव्या जी मैडम हमारे साथ में जुड़े, तो इतने मतलब इंटरनेशनल लेवल तक अगर हमारा वर्कशॉप का फायदा पहुंच रहा है तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम कोशिश करेंगे कि अगले साल ये वर्कशॉप नेशनल न होके इंटरनेशनल लेवल पर हो और चार दिन का न होके। कल कुछ पार्टिसिपेंट ने कहा कि सर और ज्यादा दिन, संडे के दिन शायद मैं जब ये कर रहा था, तो एक पार्टिसिपेंट ने कहा था कि सर चार दिन कम पड़ते और ज्यादा दिन अगर बढ़ाए तो बहुत अच्छा है। तो हमारी चर्चा हुई आयोजन समिति के सभी सचिवों के साथ में, तो हम कोशिश करेंगे कि हम और दिन इसमें बढ़ाए और कुछ सही चीजें इसमें जो है ऐड करके आप लोगों को और अच्छी जानकारी हम यहाँ पर दे सके। तो सभी पार्टिसिपेंट्स का और जिन जिन लोगों ने हम लोगों को ये वर्कशॉप आयोजन करने के लिए जो सहयोग किया है उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारे साथ में प्रमुख अतिथि के रूप में भोगावकर सर जो है वो भी यहाँ पर उपस्थित है। सर ने कम से कम शब्दों में हम सबको यहाँ पर मार्गदर्शन किया, इसलिए मैं सर का भी यहाँ पर आयोजन समिति के तौर से
बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सभी लोगों का इस वर्कशॉप के सफलतम आयोजन के लिए सहयोग देने के लिए फिर से पुनः आभार। और इस वर्कशॉप का समापन जो है आज हो चुका है, ऐसा मैं आयोजित हेलो दोनों लोगों आभार, दो लोग छुटे हैं जो चार दिन से इनके पीछे मैं लगता था सुबह और 6:45 उनको फोन करता था ऐसे भास्कर वागा है सर, इनके लिए तारीफ बजाइए। सर आप तैयार है क्या, कितने बजे पहुंच रहे? तो बोले मैं 7 बजे पहुंच रहा हूँ, 10 मिनट में 5 मिनट भी लेट आया तो मैं उनका फिर से फोन करता था रस्ते में, सर मैं रस्ते में आ रहा हूँ। लेकिन अपना शेड्यूल कभी लेट नहीं हुआ, टेक्निकल कारण उधर से लेट हुआ लेकिन यहाँ से कभी लेट नहीं हुआ। और दूसरे हमारे अगले सेक्रेटरी जो हमारे मित्र है अमित टेगोर ने सर, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत साल से। और इसके बाद आपको कुछ ब्रेकफास्ट मिलेगा और जितने भी स्टूडेंट है वहाँ एक ग्रुप फोटो आपको निकालना है, आप इधर आगे आइए जी, इधर आ जाइए आगे। जो सर्टिफिकेट है वो आप सभी को कल आज शाम को आपके प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, वो फिल करने के पश्चात आपके मेल के ऊपर वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, फिर से एक बार धन्यवाद, आप अभी लीव हो सकते हो। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स जो है थोड़ा लीव पर सभी कैमरा सगड़ा ने शुरू करा हुआ सभी ने आपका कैमरा एक वीडियो ऑन कीजिए, हम एक स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं। स्क्रीनशॉट सभी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स जो है अपना वीडियो शुरू कीजिए। Online participants, please start your video or just 2 minutes to request. Thank you. Okay, thank you. सोनाली मैडम एक रिक्वेस्ट है, बोल सकती है क्या? हाँ, ये जो सेशंस सब रिकॉर्ड हुए हैं उनकी यूट्यूब लिंक अगर आप ग्रुप में भेज देंगे तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ, अभी जिस सर ने अभी बताया बहुत अच्छे से बताया कि यूट्यूब लिंक अवेलेबल है, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया रहा सेशन, मैं बेंगलोर से जुड़ी हूँ लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत सही रहा।
हेलो सभी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स से निवेदन है कि आप म्यूट हो सकते हो। थैंक यू फिर से। थैंक यू एवरीवन।